सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। 95 तक के सभी क्वेश्चंस इस टॉपिक के इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। 96 और उसके आगे क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और इजी क्वेश्चन है। ए मैन कैन किल ए बर्ड वंस इन थ्री शॉट्स। तो ये मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है कि थ्री शॉट में एक बर्ड को जो है एक बार मार सकता है। तो उस बर्ड के मरने की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3, बिकॉज वो थ्री शॉट में एक बार मार सकता है। उसका सही निशाना थ्री शॉट में एक बार लगता है। यदि यहाँ पर फोर शॉट होता तो 1/4 हो जाता है। ये उस बर्ड के मरने की प्रोबेबिलिटी है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बर्ड इज नॉट किल्ड, तो हमको नॉट किल्ड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसलिए मैं इसको 1 में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इसका मतलब हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी, देन 1 PA जो है आपका इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा 1 - 1/3। तो 3 LCM आ जाएगा, 3 - 1, देन इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर जो है आपका आ जाएगा 2/3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। तो 96 में ऑप्शन बी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ऑप्शन बी यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इफ ऑन एन एवरेज 9 ships out of 10 रिटर्न सेफली टू ए पोर्ट, द प्रॉबर्टी ऑफ 1 ship रिटर्न सेफली इज, 10 में से 9 ship जो है वो बंदरगाह पर बिल्कुल सेफ रिटर्न होती है। तो वो कह रहा है कि किसी एक सिप के सही रिटर्न होने की, सेफ रिटर्न होने की प्रॉबर्टी फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो है आपके सामने है, जो है 9 ships जो है वो 10 ship में से 9 ship जो है वो रिटर्न बिल्कुल सही होती है, देन इसकी प्रॉबर्टी आ जाएगी सही सेफ रिटर्न होने की 9C1/10C1, देन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9/10। किसी एक सिप के सेफ रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9C1/10C1, देन 9/10, बिकॉज 9C1 की वैल्यू जो है 9 होगी। तो 9/10 जो है आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं 97 में ऑप्शन सी जो है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 97 में हमने जो है प्रोबेबिलिटी निकाली थी उस के अकॉर्डिंग जो है इसमें हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो इवेंट्स उसमें हुआ था उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ये है। इफ ऑन एन एवरेज ए सिप आउट ऑफ 10 रिटर्न सेफली टू ए पोर्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ship डज नॉट रीच सेफली, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी 9C1/10C1 निकाला था, 9/10 था किसी एक सिप के सेफ रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी थी। और इसमें जो इस क्वेश्चन में हमको निकालना है PAC - P1 - PA, देन 1 - 9/10। देखो किसी एक सिप के रिटर्न, सेफ रिटर्न होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 9/10 थी। और ये कह रहा है डज नॉट रीच सेफली, देन सेफ रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से मैं माइनस कर दूंगा। तो 1 - 9/10, देन 10 - 9, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके सामने आ जाएगा 1/10। 1/10 इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। सेफ रिटर्न, फॉर सेफ रिटर्न प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10, देन डज नॉट रीच सेफली उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PA - 1 - PA, 1 - 9/10, देन 1/10 आपके इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 98 में हम ऑप्शन देखते हैं। 98 में ऑप्शन ए जो है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए पर्सन इज 6/11, देन आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी है 6/11 आपको जो है प्रोबेबिलिटी गिवन है उसके जीतने की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए पर्सन इज 6/11, एट ए रिजल्ट ही गेट्स 77 rupees, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस पर्सन। देखो जब वो विन होता है तो उसको 77 rupees मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है 6 times वो विन होता है टोटल 11 times में से, ठीक है ना। तो सीधा सीधा उसका जो
फैक्टेशन जो होता है वो 6/11 को मैं 77 रुपीज़ से क्या कर दूंगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा। देन जो है 11 ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, देन 6 × 7 तो 42 रुपीज़ जो है उसका जो हो जाएगा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा 42 रुपीज़। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको जितने भी वो विनिंग के बाद जो भी जो रुपीज़ गेट करता है उसे क्या कर देंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 42। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और 99 में ऑप्शन बी जो है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, द प्रायोरिटी दैट बोथ ऑफ देम आर बॉयज इफ इट इज़ नोन दैट वन ऑफ देम इज़ बॉय। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, इसके लिए सैम्पल स्पेस हम निकालते हैं। सपोज दैट वो दोनों बॉयज हो सकते हैं, पहला बॉय दूसरा गर्ल हो सकता है, या पहला गर्ल या दूसरा बॉय हो सकता है, या दोनों क्या हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस हो जाएगा। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर बॉयज, ए हमको गिवन है बोथ ऑफ देम आर बॉयज, देन बी और बी जो है बोथ ऑफ देम आर बॉयज, both of them are boys, इसका मतलब दोनों boys हैं, then B और B ले लिया, ठीक है ना। और इसकी जो probability आ जाएगी आपकी आ जाएगी 1/4। इसी तरह से जो B set लेते हैं, it is known that one of them is boy, one of them, ये B set ले लिया, one of them is boy, then इसके लिए हम जो set लेंगे वो आ जाएंगे या तो B G हो सकता है या G B हो सकता है, वन ऑफ देम इज बॉयज, तो ये बी सेट आ जाएगा। और पी बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 2/4, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू हम देखते हैं तो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा। तो इसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो आई आपके सामने क्या आई, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इट इज़ नोन दैट वन ऑफ देम, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर बॉयज, इसका मतलब ए आपको फाइंड करना है, बी गिवन है, तो आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है पी ए अपॉन बी, और इसका सीधा फॉर्मूला आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखो जो हमको फाइंड करना है वो ऊपर आता है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर बॉयज, तो ए जो है वो बोथ ऑफ देम दोनों के दोनों आपने क्या मान लिए, बॉयज मान लिए, और ए ही हमको फाइंड करना है, ए के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इट इज़ नोन इसका मतलब ये पता है वन ऑफ देम इज़ बॉयज, ये हमको पहले से पता है, तो जो पता होता है वो नीचे आते हैं, जो फाइंड करना वो ऊपर, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ए अपॉन बी। इन दोनों की हम वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू 0 आएगी और पी बी की जो वैल्यू जो भी है 1/2, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। हम देखते हैं कि ऑप्शन कोई भी इससे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब डी जो ऑप्शन डी जो है इसका नन जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना। तो सभी स्टूडेंट्स को अगेन ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहे, और प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी स्टूडेंट्स जो है चैनल को शेयर करें। देखो प्रोबेबिलिटी एडिशनल क्वेश्चन बैंक 1 to 100 तक सभी क्वेश्चन, 1 to 100 तक सभी क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, और बहुत ही शानदार जो है इजी मेथड से मैंने समझाया। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक कंप्लीट पैकेज आपको मैं दे रहा हूँ फ्री में, आप अच्छे से समझे, बुक का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहेगा। ये सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के अलावा अदर स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, जिनका प्रोबेबिलिटी टॉपिक वीक है उसको ज़रूर इजी में बेनिफिट मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स को अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लगातार मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, थैंक्स।